में अपनी फौज उतार दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हालांकि इस कदम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया है। पुतिन का केमिकल वॉर शुरू। पुतिन का एक्शन देख बौखलाया अमेरिका और फ्रांस। फ्रांस ने पहली बार यूक्रेन में उतारी अपनी फौज। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे भयावह काल। यूक्रेन कितना हारा, कितना बचाया, रूस ने कितना जीता, कितना कब्जा किया, और सबसे बड़ा सवाल कि आज 2 साल बाद कहां पहुंचा है रूस यूक्रेन युद्ध। क्योंकि कहा जा रहा है कि फ्रांस ने यूक्रेन में अपनी फौज उतार दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हालांकि इस कदम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया है कि फ्रांस की फौज यूक्रेन भेजी गई है, लेकिन डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी देखिए रूस का वो दावा जिसके मुताबिक रूस की सेना ने सिर्फ इस साल यानी 2024 में यूक्रेन के 547 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до 1000 военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники и 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники. रूस के कब्जे के दावे में कितना दम है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन पर जिस तरह से रूस कहर बनकर टूट रहा है उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यूक्रेन में किस तरह का जलजला पैदा हुआ है। रूस का दावा है कि हमले के कारण यूक्रेन की फौज लगातार पीछे हट रही है, लेकिन यूक्रेन इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। हालांकि इस तथ्य को बहुत गौर से समझने की जरूरत है कि रूस ने यूक्रेन में सेना भेजने के 7 महीने बाद यानी सितंबर 2022 में 4 यूक्रेनी क्षेत्रों डोनेस्क, खेरसोन, लुहांस्क और ज़ापोरिज़्या पर नियंत्रण कर लिया था। इस वक्त रूस का यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र में 18% इलाके पर कब्जा है। रूस युद्ध के पहले दौर में सीमित फोर्स के साथ लड़ा, लेकिन दूसरे चरण में उसने प्रहार को और जोरदार कर दिया। तीसरे चरण में रूस ने मिसाइलों से यूक्रेन को तहस नहस कर दिया और अब चौथे चरण में रूस यूक्रेन की ताकत को कुचलने के लिए फुल पावर से लड़ रहा है। यूक्रेन इस वक्त रक्षात्मक मुद्रा में है। लंबे चले युद्ध के कारण उसकी सेना और हथियार दोनों की प्रहारक क्षमता पर असर हो रहा है, इसलिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बार बार नाटो ताकतों से मदद की अपील कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मदद की इसी दरकार को देखते हुए फ्रांस ने अपनी फौज यूक्रेन में उतार दी है। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार यूक्रेन में अपनी सेना भेजी है। फ्रांसीसी सैनिकों के शुरुआती समूह में लगभग 100 सैनिकों के टुकड़े को यूक्रेन भेजा गया है। सैनिकों को स्लाव्यांस्क में यूक्रेन की 54वीं स्वतंत्र मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के समर्थन में तैनात किया गया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने जिन सैनिकों को यूक्रेन भेजा है वो 3री इन्फेंट्री रेजिमेंट से है, जो फ्रांस की विदेशी सेना यानी लीजन एट्रैंगर की मुख्य टुकड़ी है। इन सैनिकों का मकसद डॉनबास में रूस की बढ़त को रोकने में यूक्रेन की मदद करना है। फ्रांसीसी टुकड़ी में तोपखाने के विशेषज्ञ शामिल हैं। जाहिर है ये तैनाती ऐसे समय में की गई है जब रूस ने यूक्रेन में अपना अभियान तेज कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पिछले कई महीनों से यूक्रेन में फ्रांसीसी सेना को भेजने की धमकी दे रहे थे। हालांकि फ्रांस को नाटो देशों से इस बारे में बहुत समर्थन नहीं मिला है। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका नाटो सैनिकों को यूक्रेन में भेजे जाने का विरोध करता है। लेकिन सच क्या है,
क्या बिना अमेरिका की सहमति के नाटो का सदस्य देश फ्रांस यूक्रेन में अपनी सेना उतार सकता है? Рассмотрим ход вопроса. Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделение ВСУ пытается зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать. फ्रांसीसी सैनिकों की यूक्रेन भेजने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूक्रेन में फ्रांस ने लाल रेखा को पार कर दिया है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार ये धमकी देते रहे हैं कि अगर नाटो की सेनाएं यूक्रेन में घुसती हैं, तो इसे सीधे युद्ध माना जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन रह रहकर परमाणु ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी देते रहे हैं। माना जा रहा है कि विदेशी सैनिकों को भेजकर फ्रांस ने एक बचाव भी अपने पास रखा है। वो कह सकता है कि भेजे गए लोग फ्रांसीसी नागरिक नहीं है। ऐसा क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है। फ्रांस ने यूक्रेन में अपनी विदेशी सेना भेजी है, मतलब फ्रांस की विदेशी सेना में तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी विदेशी हैं। इसमें सैनिकों को गुमनाम होने की छूट भी होती है। इसमें काम करने वाले सैनिक 3 साल की अवधि के लिए सेवा करते हैं। विदेशी सेना भेजने का फैसला फ्रांस ने इसलिए किया है क्योंकि विदेशी सेना भेजने पर अधिक घरेलू विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रांस के पास विदेश में तैनात करने के लिए बड़ी संख्या में अपने सैनिक नहीं है। फ्रांस की मूल सेना को भेजने के लिए उसे अतिरिक्त भर्ती करनी होगी, जिसे लेकर मैक्रों के राजनीतिक विरोधियों को हमला करने का मौका मिलेगा। फ्रांस के यूक्रेन में जमीन पर आने के बाद युद्ध में हालात का बदलना तय है, लेकिन फ्रांस ने यह कदम क्यों उठाया, उसके पीछे वजह दी जा रही है कि युद्ध में रूस प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वो हथियार हैं जिसकी काट यूक्रेन की सेना के पास नहीं है, और रूस को अगर रोकना है तो सिर्फ नाटो की ओर से हथियारों का जखीरा भेजना काफी नहीं है, बल्कि यूक्रेन के सैनिकों के साथ जमीन पर रूस के खिलाफ अभियान छेड़ना होगा। अब सवाल है कि रूस कौन सा रासायनिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है? ये हथियार है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन एक केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल जानलेवा कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसकी खासियत है कि ये गैस और लिक्विड दोनों ही रूपों में इस्तेमाल हो सकता है। इसकी एक छोटी सी बूंद भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकती है। गैस के रूप में इसकी जरा सी मात्रा भी शरीर के अंदर जाने पर किसी को भी मौत की नींद सुलाने के लिए काफी होती है। क्लोरोपिक्रिन नाम के केमिकल हथियार का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहरीली गैस के रूप में किया गया था। तब जर्मनी की सेना ने इसे मित्र राष्ट्रों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया था। क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल युद्ध में करना बैन है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW ने इसे चोकिंग एजेंट की कैटेगरी में डाल रखा है। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन में इसका इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए रूस को रोकना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि क्लोरोपिक्रिन व्यक्ति पर असर कैसे डालता है? विशेषज्ञों का कहना है कि ये शरीर के भीतर जाते ही मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे नाक, गले और फेफड़ों में जलन होने लगती है। इसके कारण फेफड़ों की हवा खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन ना मिलने से इंसान का दम घुट जाता है। इसके पहले भी रूस पर आरोप लगे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि रूस ना तो इसका खंडन करता है और ना ही इसकी पुष्टि। जाहिर तौर पर पुतिन लंबे चले युद्ध को अब समेटना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन की बर्बादी के साथ साथ रूस के हित भी प्रभावित हो रहे हैं और नाटो की युद्ध में सीधी एंट्री के बाद ये युद्ध भयावह दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस, जो कि पहले से तय है कि किसी भी कीमत पर पैर पीछे खींचने वाला नहीं है, लिहाजा जरूरी है कि पुतिन को किसी सम्मानजनक संधि के टेबल पर बिठाकर युद्ध का हल निकाला जाए, जो फिलहाल तो कम से कम होता नहीं दिख रहा है। मतलब आगे रूस यूक्रेन का भीषण युद्ध दिख रहा है।